इतना समझाते समझाते तुमको थक गए, समझ में नहीं आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है? नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ? अगर नहीं पढ़ना है ना तो बोल दो कि पढ़ाई नहीं करनी है, इतना मेहनत करो, इतना तुम लोगों के लिए सुबह से उठ के ये करो वो करो, फिर भी पढ़ाई ये करना है वो भी नहीं होता है ढंग से, यही नंबर लेकर आए हो? बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन कोई मतलब ये है ही नहीं कि एग्जाम है थोड़ा पढ़ाई कर ले, बस पूरे दिन खेलते रहना है, पूरे दिन मस्ती करना है, खाना है खेलना है, तुम्हारे बदले हम पढ़ेंगे? अगर यही हाल रहा ना तो यहां से नाम कटवा देंगे, भेज देंगे कहीं बहुत दूर, फिर रहना अकेले मम्मी के बिना, समझ में नहीं आता है? पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते आदमी थक जाता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे क्या है ये? नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल पर। और अभी आप जो देख रहे थे वो एक्टिंग थी मेरी बेटे के साथ, मैं नहीं डांटती वैसे, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आज मुझे क्या हो गया है जो मैं अपने बेटे को डांट रही हूँ, क्योंकि आज का सब्जेक्ट मेरा वही है, इसी सब्जेक्ट पर मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं जो कि मैं महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को ये बातें जाननी चाहिए। हालांकि बहुत लोग इस चीज़ को समझते भी हैं बट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और एग्रेशन में बच्चे को डांट डपट देते हैं, और वो भी पीटीएम में जब और भी सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को डांटने लगते हैं, तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो आज ईशान का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया था, पीटीएम था, तो ईशान को लेकर स्कूल गए हुए थे। स्कूल में हालांकि ईशान का रिजल्ट मुझे पहले से मालूम था, कॉपी उन लोग को देखने को मिलता है, तो बता दिया था कि मम्मी ये नंबर्स आए हैं मेरे, तो अब ऑब्वियसली नंबर्स इसके बहुत अच्छे थे तो डांटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन अगर कोई नाराज़गी होती है तो आप घर पर आने के बाद बच्चों को प्यार से समझा सकते हैं, है ना? बहुत कुछ बातें होती हैं जो जिस तरह से हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती कि चार लोगों के बीच कुछ आपको बोला जाए, उसी तरह से बच्चों को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती कि उनके फ्रेंड्स के सामने और सभी पेरेंट्स के सामने उन्हें कुछ डांटा जाए। हाँ, टीचर्स समझाने के लिए कुछ बोलते हैं तो उनकी बात अलग होती है, क्योंकि टीचर्स स्कूल में क्लासेस में भी बच्चों को समझाते हैं या थोड़ा सा डांट डपट भी देते हैं, तो टीचर्स की बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बहुत सारे वहाँ पर पेरेंट्स हों और स्टूडेंट्स हों, क्लासमेट्स हों, और वहाँ पर आप बोलते हैं बच्चों को, तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो हुई एक बात, उसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चा आपका कितना अच्छा नंबर ला रहा है या नहीं ला रहा है वो आप पर भी डिपेंड करता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी ऐसा टाइम हो गया है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर घंटों समय बिता देते हैं, रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में, तो आप अगर ये टाइम थोड़ा आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप ठीक है इधर दे सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो आपकी फैमिली और बच्चों पर ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम जो देते हैं ना रिटर्न में हमें वही मिलता है। और पढ़ाई के लिए डांटना, पढ़ाई के लिए प्रेशर देना, पढ़ाई के लिए और कंपटीशन की एक जो कंपटीशन की फीलिंग होती है ना, ये जो भावना होती है बच्चों के अंदर डालना, ये गलत चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कंपटीशन गलत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जब नेगेटिव वे में चला जाता है तब वो गलत होता है, पॉजिटिव वे में वो गलत नहीं होता है। कंपटीशन आप इस रूप में देखें कि बेटा आपने ये किया है, अब उसे आपको और बेहतर करना है ना? जब आपने लास्ट एग्जाम में ये मार्क्स लाए तो आपको अपने आप को बीट करना है और उससे और बेहतर होकर निकलना है, ना कि आप बचपन से बच्चों के दिमाग में ये कंपटीशन डालें कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं और तुम्हें दी बेस्ट बनना है, क्योंकि बेस्ट बनने के चक्कर में कहीं आप उसका बचपन ना खो दें। बच्चों को इनकरेज करें, नो डाउट बच्चे हैं, आप ही डांटेंगे, आप ही समझाएंगे, आप ही प्यार करेंगे, और दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद उनके जैसा कोई दूसरा प्यार भी नहीं कर सकता है,
तो अपने बच्चों के लिए सबकी फीलिंग्स लगभग सेम ही होती है, बस समझाने का और समझने का तरीका और देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि जब, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर महसूस किए बातें कि बहुत सारे लोग थे जो अपने बच्चों को डांट रहे थे या समझा रहे थे, तो वो काफ़ी अनिजी बच्चों को फील होता है कि इस समय आप वही चीज़ आप घर पर आकर अगर समझाएं और डांटे नहीं, प्यार से समझाएं कि बेटा अगर इसमें ये मार्क्स कट गया तुम्हारा या इतने कम आए तो क्यों आए, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। बच्चों को बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह आप बैठकर हर चीज़ पूछें और जानने की कोशिश करें कि बच्चा कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग ही पढ़ा करते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा परफेक्ट नहीं होता है, तो आप वो चीज़ समझने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, क्या चीज़ें हैं जो उसको कंफर्टेबल नहीं बनाती हैं, कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसे टफ लगता है। उसे खेल खेल में, हंसी हंसी में आप बहुत प्यार से समझा सकते हैं, उसका दिल जीत कर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप मोटिवेट करेंगे ना तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो कभी भी डांटिए नहीं, और कभी भी ये भावना मत लाइए कि तुम्हें सबसे अच्छा करना है। नहीं, तुम्हें अच्छा करना है, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है तुम पिछले बार से और अच्छा इस बार करोगे। तुम अपने बस पढ़ाई पर फोकस करो, और जो चीज़ें क्लास में समझाई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, वो तुम समझो, उसको तुम सीखो। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, लेकिन तुम पूछो, है ना। बच्चों में ये चीज़ ज़रूर डालना चाहिए कि कहीं पर भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो रहा है तो टीचर से क्लियर करो। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी ऐसा है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें संस्कृत में प्रॉब्लम होती होगी, तो आप पूछिए, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए। बाकी तो सारा सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जिस पर अच्छा ना करें, तो वही सब बातें हैं। और तो यही सब बातें हैं जो आप लोगों से करनी थी, और यही कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट मेरी चीज़ें देखिए तो आप बच्चों को सबके सामने मत डांटिए, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों के मेंटल ग्रोथ पर, मेंटल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर आप बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो आप कभी भी उम्मीद मत रखिए कि वो बेहतर करेंगे लाइफ में, क्योंकि माता पिता का बच्चों को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो माता पिता बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के प्रति, हर चीज़ को जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे बहुत ही काबिल बनते हैं। तीसरी बात, समय देने के साथ साथ आप उनके साथ बैठिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनिए, समझिए। स्कूल से बच्चा आता है तो क्या पढ़ाई हुई है, क्या पढ़ाई नहीं हुई है, आपने क्या समझा, आपने नहीं समझा, ये आप चेक कीजिए डेली। फिर बात आती है कि अगर एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें बच्चों पर, क्योंकि छोटे से तो बच्चे होते हैं। जैसे मेरा बेटा फोर्थ में है, 9 ईयर्स उसके कम्प्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या उसके लिए हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसा नहीं, तो ये गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और बच्चों को वही चीज़ है, मेन तो यही है कि बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को समझिए, और सबके सामने न डांटिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात हो जाती है। और कुछ भी ऐसा होता है ना तो ज़रूर एक बार अपने लिए ये सोचिएगा कि अगर मैं उसके जगह रहूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका बच्चा खुश रह सके, खुश रहकर वो और अच्छे से मेहनत कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। और आप उसको इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उसके साथ खेलिए कूदिए। खेल खेल में बहुत कुछ माता पिता बच्चों को सिखाते हैं और उनकी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो समय बिताइए और फिर देखिए आपका बच्चा कैसे एक फूल की तरह खिलकर उभर कर बाहर आता है, और उसकी खुशबू और उसकी रंगत से आपका पूरा परिवार, पूरा समाज महकेगा। तो बस यही थी कुछ बातें जो आज मुझे फील हुई, तो मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। तो लेती हूं विदा। आपको कैसी लगी मेरी राय, मेरी बातें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।